किराम नजरीन कराम अकम व सरतलम्बिया प्रोग्राम में मैं हूँ आपका खाद मफ्ती इकबाल नक्शबंदी लाख लाख एहसान उस खाले के कइनात का जिसके कब्ज़ कुदरत में हमारी जान नजरीन कराम सरतल्बिया वो हमारा ख़ास रूहानी प्रोग्राम है ये वो हिदायत का सफ़र है जिसमें हर मरद जन आकिल व नाबालिग सब बैठ कर सुनते हैं देखते हैं और फैज याब होते हैं हम बजाते ख़ुद इस प्रोग्राम से फैज़ याब होते हैं चूँकि ऐसा बेमिसाल प्रोग्राम है जिससे नफ्स मरता है वो हालात सुनकर जिनको इबरत का निशान बनाया गया वो कौमें जिन पर अल्लाह का अजाब आया गज़ब नाजिल हुआ उनको निशान इबरत बना दिया गया इससे मौत की याद आती है आखरत की याद आती है गुनाहों से बच जाते हैं नाजरीन किराम हजरत आदम सलाम से लेकर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ख़ातमनबी जी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम तक तमाम अम्बिया किराम पर हमारा ईमान है कि अम्बिया किराम वो रसूल नबी अल्लाह के मासूम बंदे हैं वही के नूर से अल्लाह ने उनके सीनों को मुनवर किया वो जगमगाती शख्सियात इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और इंसानों की रहनुमाई के लिए उनको अल्लाह ने चुन लिया यकीनन उनकी सीरत से उनके किरदार से उनके अखलाक से इंसान सीखता है और उम्मती होता ही वही है जो रसूल की पैरवी करे हमें सबका अंबिया कराम का सिर्फ ये हुक्म है कि उनको मानो इतबा अपने आका मौला सल्ला वसल्लम की करनी है ये निजनाब महम्मदरसूल सल वसलम की उन आसमानी किताबों को जो सबका है तौरात इंजील जुबूर उनको मानना है पढ़ना कुरान को है अमल कुरान पर होना है अब वो किताबें मनसूख रहती दुनिया तक हमारे पास कुरान है कुरान जो जाबा हयात है क़ुरान जो अम्बिया कराम के कसस बयान करता है नागरीन किराम हमने हज़रत आदम सलाम से इस सीरत को शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज़रत मूसा सलातु आलात वामरत हारून आलाम हज़रत सलाम तक पहुँच चुके हैं फिर इस दौरान जो बीच में मामला हुए फिरा हामान कारून वो हमने सच टी वी के ज़रिए से उम्म मुसलमा तक पहुँचाए वो जो जिन्होंने अम्बिया कराम को सताया तोहन की इज़ा पहुँचाई इल्ज़ाम लगाए उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया यानी उन लोगों को फिर उसके हवारी हामान, उसके हवारी, कानून और उसके हवारी इसी तरह जो जो भी रास्ते में आए नबूत से टकराए वो हमेशा के लिए पास पास हो गए हमने उनका इसलिए अहवाल बयान किया कि अल्लाह ताला ने उनको इबरत के लिए कैसे निशान इबरत बना दिया नाजरीन किराम हजरत मूसा सलासल्लाम की नबूत का अहवाल उनको बकरियाँ चराना फिर अल्लाह रबुलजत बनी इसराइल की जिस तरह हिफाजत फरमाई एक दरिया के पार उनको सफर कराया, करायाबूर हुए सलामती के साथ उनके लिए रास्ता बना दिया गया फिर बनी इसराइल को अल्लाह रबुल इजत नियमते अता की आज हम उन नियमतों का जिक्र करेंगे आज एक और नाफरमान का जिक्र करेंगे जो नबी की तोह जिसने की नबी के लिए बदुआा की नाजरीन की राम एक बात याद रहे बड़े वसूख से मैं अर्ज करना चाहता हूँ नबी की तोहन करना हराम है नबी की इज्जत करना वाजिब है नबी की तोहन करने वाला हमेशा के लिए जहनवी बन जाता है नबी की तोहन करने वाला मुर्तद हो जाता है नबी की रसूलों की अम्बिया की तोहन करने वाला दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है इसी तरह अम्बिया कराम की इज्जत हम पर वाजिब है और जनाब रसूल आजम सल तसल वजह तखली के कैनात जनाब महम्मद रसूल सल्ला वसलम की इज़्ज़त व तो वक्रू हो व तो हो व तो सब्बे हो बकर व असीला इसका हुक्म साहिब क़ुरान के लिए कुरान ने दिया अल्लाह ने हुकम दिया इज़्ज़त तो उनकी अजमत और यहाँ तक अदब सिखाया गया हमारे आका वसल्लम के लिए कि उनकी मुबारक आवाज के सामने अपनी आवाजों को पस् रखो धीमे लहजे में बात करो इसलिए कुरान ने जहां भी यह हुक्म दिया लातरफ अस्वातकुम फो कसौती नबी नाजरीन किराम लाख लाख एहसान उस मालिक का जो खाले के केनात हमसे ये काम ले रहा है खुदा करे इन महबूब बंदों का ज़िक्र जो हम कर रहे हैं नाजरीन सुन रहे हैं इनकी बरक़त से अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे कर दे और हमें दाखिल जन्नत करे अल्लाह ताला इन तजुर्गों के अहवाल बजुर्गान दीन अलिया कामिलीन साल शोहदा और खसूस अंबिया कराम हवाल के सदके अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए नाजरीन की नाम आज हम बन इसराइल के जमाने में एक उस वक़्त वली था उसका जिक्र करने जा रहे हैं जिसको निशान इबरत बनाया गया है जी हाँ, उसका नाम है बलाम बिन बउरा इसका पूरा वाकया आज हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे हज़रत अब्दुल्ल बिन अब्बास रज़ी तन फरमाते हैं जब हज़रत मूसा सलासम कौम जब्बारीन से जंग का इरादा किया और सरज़मी शाम में नज़ूल फरमाया सरज़मी शाम में आपने नज़ुल फरमाया तो वहाँ एक इसम आज़म का आमिल वली रहा करता था उसका नाम था बलाम बिन बाउरा तो उसकी कौम उसके पास आई और बलम बिन बाउरा से कहने लगी कि हजरत मूसा सलाम बहुत तेज मिजाज पैगंबर हैं बड़े जलाल वाले हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर मुल्क शाम में दाखिल हो गया है यहाँ वो इसलिए आए हैं कि वो हमसे जंग करेंगे ताकि हम उससे जंग करें और वो हमें इस मुल्क से निकाल दें और वो हमारे शहरों से हमें निकाल करके बनी इसराइल को यहाँ बसाएं फिर इस सरजमीन में उनको वो आबाद करें ए किराम वो कहने लगे कि बलम बिन बाउरा की कौम ये तेरे पास इसम आज़म है तो ऐसा करके तू दुआ कर, कर यानी मूसा सलाम और उसके लिए बद दुआ करें कि आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है और तुम निकलो पहाड़ों पे बलम बउरा तुम चले जाओ और दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें यहाँ से भगा दे तो हम बच जाएंगे नाजरीन किराम बलम बिन बारा की हकीकत और उसकी दुआ का असर हम अपने नाजरीन को पूरा वसूख के साथ ये वाक़ बयान करेंगे बताएंगे आप हमारे साथ रहेंगे मिलते हैं शाला एक मख्तसर ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम सीरत उम्बिया में हम अपने नाजरीन को खुश आमदी कहेंगे नाजरीन किराम ब्रेक से जाने से कबल बात चल रही थी बड़ी सराईल के एक और दुश्मन खुदा की एक और अल्लाह के नबी के मुकाबले में जो आए उसका नाम बलम बिन बाऊरा है जी हाँ कौ आई और कहा दुआ करो तुम्हारी दुआ कबूल होती है कि तुम में आजम के आमिल हो बलम बिन बऊरा ने पहले तो अच्छा ही जवाब दिया कहा कि यहां से तुम क्या करने आए हो बलम बउरा कहने लगा तुम पर अफसोस है कि तुम मुझे ऐसी दुआ का कहते हो जो मैं पैगंबर के खिलाफ करूं? यानी हज़रत मूसा अलैहि व सलाम अल्लाह के नबी हैं और उस नबी के साथ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं मैं उनके लिए कैसे बद दुआ कर सकता हूँ उनके ख़िलाफ़ कैसे दुआ करूँ तो इसलिए उनके साथ अहले ईमान हैं यानी मूसा अलैहि व सलाम की कौम बनी इसराइल अहले ईमान हैं उनके साथ फरिश्ते हैं अहले ईमान के लिए मैं कैसे बदुुआ कर सकता हूँ? नजरी ने किराम फिर एक जुमला उसने और भी कहा बलम बिल बउरा ने उसने कहा कि अगर मैंने हजरत मूसा सलाम के खिलाफ ऐसा किया यानी कोई बददुआ की तो मेरी दुनिया और आखरत बर्बाद हो जाएगी दुनिया और आखरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जाएंगी ने किराम कौम ने रोना धोना मचा दिया गिरिया शुरू कर दिया कि हमें तो आप पे आसरा था आप पे उम्मीद थी आपने जवाब दे दिया अब हमारा क्या बनेगा आप उनके लिए बददुआ करें मुसलसल इसरार करते रहे तो बलम बिन बउरा ने कहा अच्छा मैं बदुआ करने से पहले अपने रब की मर्जी चाहता हूँ यानी अल्लाह की रिजा क्या है ने किराम वो कैसे मालूम करता उसका तरीका कार ये था कि वो नमाज पढ़ता इसम आज़म पढ़ता फिर सो जाता खाब के अंदर उन्हें बिशारत होती बता दिया जाता कि ये काम करना दुरुस्त है या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है जिसको आज हमारे माशरे की दुनिया में इस्तखारा कहते हैं इस्तखारा के कई तरीके हैं एक उनमें तरीका यह है कि ख्वाब के अंदर बता दिया जाता है अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है यह काम करना बेहतर है या ना बेहतर है और इसमें हदीस में भी साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब कराम को इस्तखारे की तालीम दी है बलम ने यही तरीका अपनाया और वो अमल किया उसने ख़्वाब के अंदर उसका जवाब उसको मिल जाता चुनाचे इस दफ़ा जवाब मिला कि हज़रत मूसा सलाम और उनके साथियों के खिलाफ दुआ न करना ख्वाब के अंदर ये बताया गया कि ख़बरदार ऐसा काम न करना दिन हुआ चुनाच कौम से आपने ख़िताब किया कौम को जमा किया कहा मेरी कौम अपने रब से इजाज़त चाहिए थी मगर मेरे रब ने उनके ख़िलाफ़ दुआ करने से मना फरमा दिया है ममानियत फरमा दी फिर इसकी कौम ने उसे हदीये और नजराने देना शुरू कर दिए ये हजरत हमारी तरफ़ से हदिया है ये हमारी तरफ से गिफ्ट है ये हमारी तरफ से नजराना है ये हमारी तरफ से तोहफा है नजरी नहीं किराम अगर यही नाम नजराने का हदिए का रख लिया जाए असल रिश्वत हो तो ये माल हलाकत में डाल लेता है हलाकत की तरफ ले जाता है इंसान के अंदर एक लालच पैदा होती है फिर वो नफ से अम्बारा जो काम कराने होते हैं बदी के वो करा लेता है जब वो माल हदीए की सूरत में नजराने की सूरत में उसने समेटा उसे कबूल किया उसके बाद कौम ने कुछ अरसे के बाद दोबारा बलम बिन बउरा के पास आए और कहने लगे अब आप बद दुआ करें हम आपसे दरखास्त करते हैं मूसा सलाम उनके उमती यानी बड़ी इसराइल के ख़िलाफ़ दुआ करें दूसरी मरतबा बलम ने रब तला से इजाज़त चाही यानी वही पुराना तरीका इस्तारा किया जो पढ़ा ख़्वाब की सूरत में अब इस दफ़ा उसका कुछ जवाब न मिला तो उसने कौम से कह दिया कि मुझे इस मरतबा कुछ जवाब ही नहीं मिला वो लोग कहने लगे यानी उस बलम बिलबूरा की कौम के लोग उन्होंने कहा अल्लाह ताला को मंजूर ना होता तो वो पहले की तरह दोबारा भी साफ़ मना फरमा देते फिर कौम ने और भी ज़्यादा इसरार किया बार बार, बार बोलना शुरू कर दिया हमने नजराने दिए हमने आपको तहैफ दिए हमने ये किया हमने वो किया हम आप पर आपके साथ अक़ीदत रखते हैं आप बद दुआ करें नाजरीन किराम इसरार बढ़ता गया चुनाचे बलम बिल्बऊरा ने कौ ऐलान किया कि तैयारी करो मैं बद दुआ करता हूँ सलाम के लिए बनी इसराइल के ख़िलाफ़ बद दुआ करता हूँ वो अपनी गधी पर बैठा उसके पास एक खोती थी गधी उसके ऊपर वो सवार हो के पहाड़ की तरफ निकला उलमा फरमाते हैं जब वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ तो उसकी गधी ने उसे कई बार गिराया फिर वो सवार हो जाता हत्ता के अल्लाह के हुक्म से उस गधी ने उससे कलाम किया बलम बिन बाऊरा से जो इसमें आजम जानता था अपनी कौम का बड़ा लीडर था अब लीडर था इसमें आजम से इज्जत मिली थी दुआ कबूल होती थी मगर अब पैगंबर से टकराने जा रहा है नबूआ से टकराने जा रहा है तो जो नबू से टकराता है वो ना दुनिया का रहता है ना आखरत का अब गधी ने कलाम किया उस गधी ने कहा अफसोस आए बलम तुम कहाँ जा रहे हो क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे सामने फरिश्ते खड़े हैं मुझे फरिश्ते बार बार रोक रहे हैं मैं तुम्हें गिरा रही हूं तुम्हें अक्ल नहीं है तुम पर अफसोस गधी ने कहा कुछ शर्म करो रुक जाओ ये काम नहीं करो नाजरीन की राम बलम बिन बउरा की आंखों पर पर्दे आ गए थे हट धर्मी जिद अनानियत बढ़ गई थी उसके नफ्स ने नफ्स अम्बारा ने ठीठपन की तरह उसको कहा कि आगे चलो अब वो आगे चलता गया और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए अब उसने बदुआ करना शुरू की बाकी जो हवारी थे कौम आमीन अमीन कह रही थी वो बदुआ कर रहा था बड़ा दिलचस्प एक बात मैं अपने नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ वो बात ये थी बलम बिन बउरा जब इन चीजों से बाज ना आया तो उसने बद की, की जो वो बदुआ करता था अल्लाह उसकी ज़बान को उसकी कौम की तरफ लौटा देता यानी फेर देता जो वो बद करता वो बद दुआ बलम बिन बउरा की कौम को जाके लगती और अपनी कौम के लिए जो दुआए खैर करता वो बजाय अपनी कौम के बनी इसराइल को जाके लगती पहुंचती अब क्या हुआ कि ये देखकर उसकी कौम ने कहा बलम तुम्हें क्या हुआ तुम हमारे लिए बद दुआ करते हो बनी इसराइल के लिए दुआ खैर करते हो हमारे लिए बद दुआ करते हो बलम बिलबूरा ने कहा कि मेरे बस में नहीं मेरे इख्तियार की बात नहीं मेरी जबान मेरे कब्जे में नहीं अल्लाह ताला की कुदरत मुझ पर गाले आ गई उसकी बे आवाज लाठी चल चुकी है मेरा खाना खराब हो गया है अब वो इतना कहने के बाद उसने कहा कि अब मेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई आखरत भी बर्बाद हो गई इसके कहने के बाद उलमा फरमाते हैं उसकी जबान निकल कर उसके सीने की तरफ लटकने लगी ज़बान बाहर निकल आई वक्त का बली इसमें आजम पढ़ने वाला मुजीब जब अल्लाह की पकड़ में आया फिर जबान काम नहीं कर रही थी गोया जबान के ऊपर कोई फालिज गिरा है जबान नहीं चलती जबान बाहर निकल आई तो वो अपनी कौम से कहा मेरी दुनिया आखिर दोनों बर्बाद हो गई हैं अब मैं तुम्हें उसके खिलाफ एक तदबीर बनाता हूँ वो काम करो शायद कोई काम चल जाए नाजरीन यह वक्त होता है एक मख्तर ब्रेक का बहुत इबरत का सामान मैसर हो रहा है इन आप हमारे साथ रहेंगे मिलते हैं मुख्तर ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम सीरतलंबिया में हम अपने मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद कहेंगे बात चल रही है आज बड़ी इसराइल के ज़माने में मुल्क शाम में रहने वाले बलम बिल बूरा की पूरी तारीख उसकी हमने अपने नाजरीन के सामने रखी जब जबान लटक गई तो उसने अपनी कौम को मुखातिब किया मेरी कौम तुमने मेरी आखरत भी बर्बाद कर दी दुनिया भी बर्बाद हो गई अब मैं तुम्हें तदबीर बनाता हूं कि अगर तुम बनी इसराइल को बर्बाद करना चाहते हो तो तुम अपनी औरतें हसीनो जमील खूबसूरत उनको सवार करके यानी उनका मेकअप करा के और उन के पास वहाँ भेजो उनके लश्कर में अगर उस लश्कर के एक शख्स ने भी बदकारी कर ली तो वो पूरा अजाब आ जाएगा क्योंकि जो कौम जीना करे अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज होता है और उसे कामयाब नहीं होने देता चुनाचे बलम बिन बौरा की कौम ने इसी तरह ही किया अपनी औरतों को तैयार करके लश्कर में भेजा एक किनानी औरत बन इसराइल के सरदार के पास से गुजरी तो वो अपने हुसन व जमाल की वजह से उसे पसंद आ गई हजरत मूसम ने उस सरदार को मना किया कि ऐसी हरकत नहीं करनी अल्लाह नाराज हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक की वजह से अल्लाह का अजाब सब पर आए मगर उलमा फरमाते हैं उस सरदार ने उस औरत के साथ बदकारी की उसकी पादाश में इस वक्त बनी इसराइल पर अल्लाह ने अजाब भेजा यानी का मर्ज मुसलत कर दिया सब के सब बीमारी में घिर गए हजरत मूसा सलाम का मुशीर जो उस वक्त तो वहाँ मौजूद नहीं था जैसे पलट के कहीं सफर में था वापस आया तो जब वो आया तो उसने इस बदकारी का किस्सा सुना और उसे मालूम हुआ कि एक सरदार ने औरत से बदकारी की है तो उसके बाद मर्द औरत दोनों को उस मूसा सलाम के मुशीर ने कत्ल कर दिया अब जब कत्ल कर दिया तो तब तऊन का अजाब उनसे उठा लिया गया अल्लाह ने फिर वो अजाब हटा लिया मगर कत्ल करने तक इसी दौरान में उलमा फरमाते हैं सीरत निगारू ने लिखा कि सत्तर हजार अफराद बनी इसराइल के सत्तर हजार लोग मर चुके थे हलाक हो गए थे एक की बदकारी करने पे बनी इसराइल को इतनी बड़ी सजा मिली कि सत्तर हजार लोग हलाक हो गए चुनाचे कुरान मजीद फुर्कान हमीद ने नाजरीन किराम इस किस्से को यू बयान किया आइए हम कुरान पढ़ते हैं उसका तर्जमा नाजरीन के सामने रखते हैं ताकि हमारा नफ्स हमारे लोग भटकी हुई मखलूक इबरत हासिल करें कुरान फरमाता है बतलू अलिम नदी आती ना आयातना फन सखा मिनहा मिनह फातम शयातिन फ़कानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं अ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसलम उन्हें इस आदमी का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयात अता फरमाई तो वो उनसे साफ़ निकल गया फिर शैतान उसके पीछे लग गया तो वो आदमी गुमराहों में से हो गया और अगर हम चाहते तो आयातों के सबब उसे बुलंद मर्तबा कर देते मगर वो दुनिया की तरफ मैल हो गया और अपनी ख़्वाहिश का ताबे हो गया तो उसका हाल कुत्ते की तरह है कि तुम उस पर सख्ती करे तो वो ज़बान निकाले तुम तो उसे छोड़ दे तो भी ज़बान निकाले ये उन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयातों को जुठलाया तो तुम ये वाकयात बयान करो ताकि वो गौर व फिक्र करें कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी आयत को जुठलाया और वो अपनी जानों पर ज़ुल्म किया करते थे नाजरीन वो आदमी से मुराद उलमा फरमाते बलम बिन बूरा था इन आयत में चंद एक फ़ायदे हासिल हुए इबरत का सामान हम अपने नाजरीन के सामने वो रखना चाहते हैं एक बात तो ये है कि इस आयत में दुनिया के मालो मता की वजह से दीन के अहकाम पसे पस्त डाल देना और डालने वाले ओलमा आलिम को कुत्ते से तशबी दी गई है और कुत्ता एक नाजरीन जलील जानवर है जलील तर्क कुत्ता वो है जो थकावट शिद्दत की गर्मी और प्यास होने या ना होने की वजह से उसके बावजूद भी वो हर वक्त ज़बान बाहर निकाल करके हाँपता रहता है कुत्ता चाहे उसमें थकन हो या ना हो उसकी एक आदत है कि वो जबान निकाल करके हाँपता है जिसे अल्लाह ताला ने दीन की इज़्ज़त और करामत से सरफराज फरमाया और उसे लोगों के माल से बेनियाज़ कर दे फिर वो किसी हाजत व ज़रूरत के बग़ैर सिर्फ़ अपनी कलबी खसासत और घटियापन की वजह से दीन के वाज़ अहकाम से एराज़ करे यानी दूरी इख्तियार करके दुनिया के माल दौलत और मनसब और मरतबे की तरफ़ झुके और उस खबीस अमल पर कायम रहे तो वो हाँपने वाले कुत्ते की तरह है वो हाँपने वाले कुत्ते की तरह है जो दीन के अहकाम को छुपाए या बयान न करे या दीन को हकीर जाने और दुनिया को सब कुछ समझे वो हाँपने वाले कुत्ते की तरह है जलील जानवर कुत्ता है सबसे फिर फरमाया कि हर वक़्त हाँपड़ने वाला कुत्ता किसी हाजत की बिना पर नहीं बल्कि वो अपनी फ़ितरत से हाँपता है लेकिन नाजरीन यहाँ ये जहन में रहे कि मिसाल सिर्फ़ इन्हीं लोगों के लिए नहीं जो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर चुके हैं आलम फाजिल कहलाते हैं बल्कि वो लोग भी इन आयात का मसदाक बनते हैं वो भी इस ज़ुमरे में आते हैं जिनके सामने हक और बातिल का इल्म आ चुका है सच और झूठ का पता चल चुका है तबारकल्ल नजर अल-अब्दही फुरान अलाकून नजीरा और ये भी जानता है कि दुनिया फना है आखरत की बका और ये भी जानता है दुनियावी जिंदगी से एराज की फजीलत और आखरत की तरफ रगबत अजबत वाज हो चुकी है लेकिन नाजरीन इस सारे इल्म के बावजूद भी वो दुनिया के तलबगार ही रहे दुनिया को चाहते रहे कि बस माल बनाओ दुनिया कमाओ पैसा जमा करो असैश की चीज़ें बनाओ बंगले लो गाड़ियाँ लो नफ्स की पैरवी करते रहे दीन को छोड़ दिया फरमाया के आखरत की अजमत उनके दिलों पर गालिब आकर उन्हें गफलतु से ना निकाल सकी यानी वो गाफिल हो गए आखरत अपनी बर्बाद कर बैठे उन्हें कहा गया कि ऐसा आलम ऐसा हक को वातल को जानने के बावजूद फना बका को जानने के बावजूद अगर वो ये अमल करता है तो वो हाँपने वाले कुत्ते की तरह है जैसे बलम बिन बऊरा की जबान सीने पर लटक आई और वह कुत्ते की तरह हाँप रहा था नाजरीन किराम डरना चाहिए पनाह मांगनी चाहिए हर वक़्त इसलिए जो अल्लाह से डरने वाले उलमाई किराम हैं जो दुनिया को फजीलत नहीं देते आखरत को फजीलत देते हैं आखरत को तरजीह देते हैं दुनिया पर उनके लिए फरमाया फरमायाबाद अल्लाह से डरने वाले इल्म लोग हैं है। रबानी जी उलमाय सू सूना लमाय सू तो बर्बाद हुए उनकी हलाकते हुई उनके कब्रों के नाम और निशान मिट गए वो हजरत मुजदानी के ज़माने में एक दो मौलवी गुजरे थे उन्हें सू तारीख़ बताती है फैजी नाम का एक और भी था वो सू थे हुजूर के दीन का मज़ाक उड़ाते से नजराने लेते ऐसे दरबारियों का जो हशर होता है वो होलनाक होता है। हजरत हैज़रत मूसलाम का एक और कमाल मोजा उनकी बरात का जिक्र हम करेंगे कुरान की इस आयत से इस तदलाल करेंगे अल्लाह फरमाते या यादीना आमन लात कल्दीना आजो मूसा फबर वकाना अल्लाह फरमाते आई मान वालो इन लोगों जैसे ना होना जिन्होंने मूसा सलाम को सताया तो अल्लाह ने मूसा का उस शय से बड़ी होना दिखा दिया जो उन्होंने कहा था वो मूसा अल्लाह के हाँ बड़ी वजाहत वाला था पैगंबर को उन्होंने सताया बड़ी इसराइल से कहा गया कि वो मूसा सलाम को सताते थे इल्ज़ाम लगाया कि मूसा सलाम ने अपने भाई हारून को क़त्ल किया है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम उन जैसे ना हो जाना मेरे रसूल के उनती हो जैसे बड़ी इसराइल के लोग उन्हें अपने पैगम्बर को सताया कैसे सताया नाजरीन वो इस तरह सताया कि बनी इसराइल ने कहा कि हजरत मूसा सलाम ने हजरत हारून सलाम को कत्ल किया है वफात पा गए वफात पाने के बाद बनी इसराइल ने हजरत मूसा सलाम पर इल्जाम लगा दिया तोहमत लगाई झूठा इल्जाम और आपकी यह नस्बत हमसे ज्यादा हारून सलाम मोहब्बत करते थे और वो नरम मिजाज थे वो ये खूबियाँ थीं वो खूबियाँ बड़ाइल ने इन बातों से हजरत मूसा सलाम को अजीत पहुंचाई तकलीफ पहुंचाई हजरत मूसा सलाम के कलब अतर पर यह बात गिरा गुजरी अल्लाह तला ने फरिश्तों को हुक्म दिया फरिश्तों जाओ मेरे पैगंबर मूसा सलाम पर इल्जाम लगा है उसकी कौम तोहमत लगा रही है झूठा इल्जाम तुम हजरत हारून सलाम की मुबारक लाश को निकालो और कौम में ले जाओ फरिश्ते लाए कौम ने देखा कि उनको कत्ल नहीं किया गया बल्कि वो तिबी मौत से ही वफात पा चुके हैं तो जब ये हुआ तो इसी तरह अल्लाह ताला तजरत मूसा सलाम को उनकी तोहमत से बनी सराइल की तोहमत से बरी कर दिया अब हजरत मूसा सलाम को जिन लोगों ने अजीत दी उनका अंजाम क्या हुआ जिन्होंने इल्जाम लगाया तोहमत लगाई उनका अंजाम क्या हुआ वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। पहुंचे नजरीन किराम हज़रत मूसम ने अपनी कौम से फरमाया मेरी कौम तो मुख्तलफ तरीक़ों से मुझे क्यों सताते हो हालांकि तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी तरफ़ से अल्लाह ताला का रसूल हूँ और रसूल की ताज़ीम वाजिब है रसूल की ताज़ीम और उनकी तो़ीर और एहतराम लाजम आता है इज्जत वाजिब है और उन्हें सताना इजा देना सख्त हराम है और इंतहा दर्जे की बदनसीबी है नाजरीन जो अम्बिया किराम के बेअदब गुस्ताख होते हैं वो बहुत बड़े बदनसीब होते हैं परले दर्जे के बदनसीब फैज का दरवाजा ही बंद हो जाता है ठोकरे खाते फिरोगे इनके दर पर पड़ रहो काफला तो आए रजा अव्वल गया आखिर गया दूसरे मकाम पे दीन के मुजदी इशाद फरमाते आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग इनसे फिर न मानेगे क़यामत में अगर तू मान गया आज जनाब आज ही मान ले दुनिया पे कल अगर क्यामत के दिन तू तो मानेगा वो नहीं मानेंगे मामला उलट हो जाएगा फिर हजरत सलाम को इजा देकर वो राह हक से मुनहरिफ और टेढ़े हो गए अल्लाह ताला ने उन्हें इतबा हक की तौफीक से महरूम कर दिया अब वो इतिबा के काबिली ना रहे फिर उनके दिल टेढ़े हो गए उन्होंने अपने आप को टेढ़ा किया पैगंबर से मुंह फेरा पैगंबर खुदा को पीठ दी पीठ दिखाई अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया और उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो उसके इल्म में नाफरमान है क़ुरान करीब ने इस मामले को भी कोट किया है सुबह अल्लाह कदम कदम पे कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है हमें कुरान की आयतें मिलती हैं अल्लाह फरमाते हैं सूरह अहज़ाब के अंदर सूरह सफ़ के अंदर

मुझे क्यों सताते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह ना फरमान लोगों को हिदायत नहीं देता बेअदब लोगों को गुस्ताखों को ना फरमानों को अल्लाह हिदायत नहीं देता वो हिदायत की पटड़ी से सड़क से उतर जाते हैं गुमराह हो जाते हैं जो अम्बिया का गुस्ताख हुआ बेअब हुआ उसकी दुनिया भी जाती रही आखरत भी बर्बाद हो गई उसकी न इधर के रहे ना उधर के रहे फिर इस आयत में तंबी है कि रसूलों को इजा देना शदीद तरीन जुर्म है ऐसा बड़ा जुर्म है कि इसके वबाल से दिल टेढ़े हो जाते हैं और फिर क्या होता है जब दिल टेढ़े हुए तो आदमी हिदायत से महरूम हो जाता है अब दरवाजे बंद हो जाते हैं हिदायत न कानों से आती है ना मुंह से आती है ना आंखों से आती है सब पर्दे पड़ जाते हैं हिदायत नहीं मिलती नदरी ने किराम हज़रत मूसीम को हुक्म इलाही और फिर उस पर आपने अमल किया हुम क्या था आप सलाम की बेसत का एक अहम मकसद ये था कि आप लोगों को कुफर जहालत के अधेरु से निकालें और उन्हें हिदायत के रास्ते पर डाल दें और ईमान की रोशनी की तरफ लाने की कोशिश करें चुनाच अल्ला फरमाते हैं वजक्िर हम बे अबिल्ल फिज़ारी कल आयात सब्बार शकूर और उन्हें अल्लाह के दिन याद कराओ बेशक उसमें हर बड़े सबर करने वाले शिक्र गुज़ार के लिए निशानियाँ हैं नाजरीन या अल्लाह की नमतू का ज़िक्र है हमारे प्रोग्राम सीरतुलम्बिया का वक्त आज ख़त्म होता है और अगले प्रोग्राम में जब हम मिलेंगे तो उसमें हज़रत मूसा और हज़रत खीज़राम की मुलाकात खीजर ख़ज़राम का नाम लफज खीज़र की वजह तस्वीर लुगत के अंदर उसके मानी अपने नाजरन के सामने रखेंगे हमारे प्रोग्राम के आखिर में दुआ होती है आइए इजतमाही दुआ में आप भी शरीक हो जाए अलहमदिल्लाबी आलमिन व

परवरदिारालम हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा बेरोज़गारों को रज के हलार अता फरमा मौला करीम पाकिस्तान को इसत तो हकाम नसीब फरमा या परवरदिगार आलम अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमा पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत से मजबूत तर बना दे, या मालिकुल मौला हमारे सच टी वी के मालकान की खैर फरमा अहल महब्बत की खैर फरमा जो जो इससे वबस्ता है सब की खैर फरमा हमारे जो प्रोग्राम के साथ वबस्ता है सरतुल्बिया में हमारी टीम इन सब को बरकते अता फरमा आलम इस्लाम की खैर फरमा मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त अबरू की हिफाजत फरमा खुदाया बहक बनी फातमा के बर कौल कुनी ख़ात्मा अगर दाबत अमरद बनो दस्त बनोदस्तम आले रसूल صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين